नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिका के लास वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रिक शो में एक से बढ़कर एक नए कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश किया गया है। इसी बीच चीन की प्रमुख टेक कंपनी XPENG ने भी अपने फ्लाइंग कार XPENG AERoHT को पेश किया है। स्टेज पर आते ही हवा में उड़ने वाली इस कार ने लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया है। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई आम कॉन्सेप्ट व्हीकल नहीं है जिसे सिर्फ ब्रांडिंग या फिर प्रमोशन के लिए शोकेस किया गया हो, बल्कि कंपनी इस मॉड्यूलर फ्लाइंग कार को लेकर गंभीर है। कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक इस फ्लाइंग कार की ऑफिशियल बुकिंग चीन में शुरू हो जाएगी और साल 2025 तक इसकी डिलीवरी शुरू करने की भी योजना है। 2025 के अंत तक यूजर इस फ्लाइंग कार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं एशिया के सबसे बड़ी फ्लाइंग कार कंपनी XPENG का दावा है कि ये नया कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य बदल कर रख देगी। जैसा कि कंपनी ने बताया है कि इस फ्लाइंग कार के डिजाइन को दो हिस्सों में बांटा गया है, जो कि इसे जमीन पर दौड़ने के साथ ही हवा में भी उड़ान की सुविधा प्रदान करता है। ये एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट, जिसे बड़ी ही आसानी से एक कार की तरह सड़क पर भी चलाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे एक एयरक्राफ्ट की तरह हवा में भी उड़ाया जा सकता है। अब आपको बता दें कि XPENG AERoHT का मैकेनिज्म दो पार्ट में विभाजित किया गया है, जिसे टेरेस्ट्रियल और एरियल मोड्स में स्विच किया जा सकता है। इसकी एयर मॉड्यूल फैसिलिटी इसे किसी हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ करने में मदद करती है, जबकि ग्राउंड मॉड्यूल इसे सड़क पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर ऑपरेट करने के लिए आसान बनाता है। इस लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर का टारगेट जमीन से हवा तक इंसानी ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना है। कंपनी ने लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की है कि लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर को इस तरह से डेवलप किया गया है कि इसका इस्तेमाल प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसे एक व्यक्तिगत निजी वाहन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में इमरजेंसी सेवाओं, रेस्क्यू ऑपरेशन इत्यादि में भी किया जा सकता है। कंपनी ने इसका लाइव डेमो भी दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कंपनी ने इस वाहन का डेमो चीन के बाहर कहीं दिया हो। ये कंपनी XPENG मोटर्स का सहयोगी कंपनी बताई जाती है और लो एल्टीट्यूड एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से शानदार काम कर रही है। उड़ने वाली कारों को महज एक कल्पना के कवर से बाहर निकालकर वास्तविकता तक ले जाने की दौड़ में XPENG AERoHT अपने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइट कार और इसके मॉड्यूलर लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों को हवा की सैर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं अब आपको बता दें, कंपनी का कहना है कि लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर ही फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन है। यह महज एक कॉन्सेप्ट को पेश करने जैसा नहीं है, बल्कि एक सच्चा ठोस कदम है। कड़े रिसर्च और डेवलपमेंट के सभी स्टेज को पार करने के बाद यह मॉड्यूलर फ्लाइंग कार अब बड़े पैमाने पर उत्पाद के लिए फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। हालांकि फाइनल डिजाइन अभी भी डेवलपमेंट मोड में है, लेकिन इसका मैकेनिज्म बेहद ही ज्यादा शानदार होगा। चलिए तो बताते हैं इसके ग्राउंड मॉड्यूल फीचर्स क्या हैं। इसमें 4 से 5 पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था है, रेंज बढ़ाने वाले इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, 3 एक्सल 6 व्हील कॉन्फ़िगरेशन, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, रियर व्हील स्टीयरिंग व्हील यहां पर शामिल है। वहीं एयर मॉड्यूल फीचर्स की अगर बात करें तो उसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लो एल्टीट्यूड पर उड़ने की क्षमता, फुली इलेक्ट्रिक पायलेटेड एयरक्राफ्ट, जबरदस्त सेफ्टी फीचर, मैनुअल और ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड्स, 270 डिग्री पैनोरामिक 2% कॉकपिट। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी कंपनी ने हवा में उड़ने वाली फ्लाइंग कार को शोकेस किया हो। इसी इवेंट में मुंबई में भी अपनी फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी से पर्दा उठाया है। इसके अलावा ALEF मॉडल A को भी पिछले साल पेश किया गया है। हवा में उड़ने की ख्वाहिश का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि इस साल अप्रैल 2024 में यूनाइटेड अरब अमीरात में दुनिया की पहली फ्लाइंग कार रेस आयोजित होने जा रही है, जो कि एक ऑटोनॉमस कार रेस होगी।